नमस्कार दोस्तों, आइए बैतूल ज़िले के मुलताई तहसील ग्राम परमंडल में हम इस एक किसान परिवार से हमें फ़ोन आया था और हम यहाँ पर रेस्क्यू करने आए हैं। यहाँ पर मकान भी है जिसमें किसान परिवार रहता है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी, और यहाँ हमें जानकारी मिली कि एक आम के झाड़ के नीचे में बिल में एक बड़ा सा बिग साइज का सांप गया हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं जो कि उन्हें दिक्कत जा रही है, वो बार बार इनके बीच में आ जा रहा है। इसलिए दोस्तों आइए हम उसका रेस्क्यू करते हैं और फिर आपको इस सांप की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, महिलाएं कुछ काम कर रही है यहाँ खेतों में और ये किसान परिवार है, उन्हीं का घर जो है यहाँ खेत से लगा हुआ, और ये सब यहाँ पर इसी प्रकार अपनी जीवन व्यापन करते हैं। और दोस्तों आइए अब हम सांप का रेस्क्यू करते हैं और आपको फिर सांप की जानकारी भी देंगे। दोस्तों ये सांप हमने बहुत मशक्क़त करने के बाद में ये सांप हमें दिख चुका है और ये धामन प्रजाति का सांप है दोस्तों, और ये बहुत ही बिग साइज का सांप है। लगभग ये इसकी मोटाई भी बहुत है और अभी इसे हम निकालते हैं, फिर देखते हैं कि लंबा कितना है। और ये शायद 7-8 फीट का सांप हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बिग साइज का है। और दोस्तों इसे रेट स्नेक भी कहा जाता है इंग्लिश में, क्योंकि छुए खाने में बहुत माहिर होता है यह सांप। घोड़ा पछाड़ के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि घोड़े से भी तेज भागने वाला सांप है ये। और इसकी जानकारी दोस्तों, इसके बारे में कुछ ऐसी गलत मिथ्याएं बनी है कि ये सांप के पूंछ मारने से शरीर में सूजन आ जाती है या ऐसा कुछ, शरीर सूज जाता है, ऐसा कुछ मिथ्याएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये नॉन वेनमस सांप है, ये किसी प्रकार से भी जहरीला नहीं होता। इसके पूंछ मारने से या किसी भी काटने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता इंसानों को। तो साथियों ये सांप हमने रेस्क्यू कर लिया है और हम इसके बारे में अभी आपको और थोड़ी जानकारी देंगे। ये सांप थोड़ा एग्रेसिव मुद्रा में नज़र आ रहा है, ये अपने आपको छुड़ाने के लिए गोल गोल घूमता है। और इसका रेस्क्यू हम कर चुके हैं और ये धामन प्रजाति का सांप, और ये बिग साइज का है साथियों, कम से कम 7-8 फीट का सांप होगा ये लगभग। और ये किसानों का मित्र माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये खेतों के चूहों को साफ करने में बहुत ही उपयोगिता माना जाता है इसको। और ये बहुत ही बड़ा सांप, बिग साइज का सांप और बहुत ही सुंदर सांप साथियों। ये सांप जो है अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है, और ये सांप अगर दोस्तों खेत में रहे तो आप किसानों के लिए बहुत ही उपयोगिता माना जाता है, क्योंकि ये सांप चूहे खाने में बहुत माहिर होता है, जो कि फसलों को नुकसान होने से बचाता है। और लेकिन दोस्तों होता ये है कि सांपों के बारे में किसानों को जानकारी नहीं होने के कारण उसे मार देते हैं और इस सांप की जान ले लेते हैं। तो साथियों हम इसलिए इसका रेस्क्यू करके इसे हम सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे। और देखिए हम इसे पकड़ चुके हैं और इसे हम अब जंगल में छोड़ देंगे दोस्तों। और हमारा सबसे निवेदन है कि सांप को मारे ना किसी प्रकार से। अगर आपके घर के आसपास घर में कहीं भी सांप निकलता है और आपको उससे कोई तकलीफ़ हो तो हमें फ़ोन लगाइए, हम आपके पास ज़रूर आएंगे, आपके घर ज़रूर आएंगे और आपके यहाँ से सांपों का रेस्क्यू करके इसे इन्हें जंगल में छोड़ देंगे। और इस कार्य को हम इसी प्रकार करते रहेंगे दोस्तों, और सभी इंसानों से सांपों की और सांपों से इंसानों की जान बचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा आपको अगर ये कार्य अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों, और हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए। हम इस कार्य को इसी प्रकार करते रहेंगे। जय हिंद साथियों।
दोस्तों, तो हम वन विभाग पहुंच चुके हैं, मुलताई मुलताई ब्लॉक का ये वन विभाग मुलताई तहसील में। और यहाँ पर कुछ अधिकारीगण हमारे साथ में, और ये सांप को दोस्तों हम यहाँ पर ये जो ड्रम दिख रहा है इसमें डाल देंगे और हम इसे ऑक्सीजन के लिए इस ड्रम में छोटे छोटे छेद बनाए हुए बहुत सारे ढक्कन के अंदर, जिससे कि सांप को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। हम इन्हें यहाँ सौंपते हैं समय एक कागज़ कार्रवाई होती है, जिसमें कि सांप की जानकारी और हम कहाँ से इसे पकड़ कर लाते हैं, किस जगह से, ये सब लिखा जाता है यहाँ पर। और इनके ही नेतृत्व में हम इस कार्य को करते हैं और ये वन विभाग को यहाँ पर इन सांपों को सौंप देते हैं। इन्हीं के साथ जाकर हम इसे रिलीज़ भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी कोरोना का समय है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इधर उधर घूमने की कोशिश भी नहीं करते। इसलिए हम इस सांप को यहाँ वन विभाग को दे करके हम अपने घर चले जाएंगे। और ऐसे ही इस कार्य को करते रहते दोस्तों हम। तो आइए, ये बहुत ही लंबा बिग साइज का सांप, और हम अब चलते हैं दोस्तों। आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और इस ऐसे ही आपको कार्य को अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। और दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। Oh,